हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाइब्स हैशटैग कंचन। तो आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ जो कि एक ट्रैवल व्लॉग है। और अगर आप हम्पी घूमने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास एक या दो दिन का ही टाइम है, तो इस व्लॉग में मैंने डिटेल्स शेयर किया है कि एक दिन में आप हम्पी में कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि आप घूम सकते हैं इजीली। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोकेशन शेयर किए हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग हम्पी कैसे पहुँचे और मैंने डिटेल्स भी शेयर किया है कि आप हम्पी कैसे पहुँचेंगे और वहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। जैसा कि आपको बता दूँ, हम्पी एक हेरिटेज साइट है और यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसको डिवाइड करें तो टू पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, साउथ हम्पी एंड नॉर्थ हम्पी। साउथ हम्पी में आपको सारे जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, एंड नॉर्थ हम्पी में आपको एक बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टेकेशन इंजॉय कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे हम्पी वीकेंड पे, और फिर अगले मॉर्निंग हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और 6 o'clock हम अपने होटल से निकल गए थे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था अंजनेय पर्वत, जिसको किष्किंधा पर्वत भी कहते हैं, अंजनाद्री पर्वत भी कहते हैं। और इस पर्वत की विशेषता ये है, इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर 575 स्टेप्स चढ़ने के बाद एक मंदिर भी है जहाँ पे हनुमान जी और माता अंजनी की मूर्ति रखी गई है। और जब हम इस मंदिर की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ते में इतना सुंदर व्यू पड़ता है ना, इस तरह से ये पहाड़ दिखते हैं जिसमें कि लगता है कि पत्थर अब नहीं तो तब गिर जाएंगे, बट ये इसकी ऐसे ही डिज़ाइन है, यही तो नेचर की ब्यूटी है। और देखिए, मैं इसी पहाड़ की बात कर रही थी और देखिए बातों बातों में हम पहुँच गए अंजनाद्री पर्वत। और अभी हम सबसे पहले अपनी कार को पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जो ध्वजा दिख रही है ना, वहाँ पे मंदिर है। तो अब हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पे आगे का रास्ता आप देखिए कि हम कैसे जा रहे हैं। भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के बाद और उनकी जन्मस्थली पे पहुंचने का एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा, जिसको कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इसके लिए आपको स्वयं यहाँ पर आ करके दर्शन करना होगा। और अंजनी पर्वत से आप पूरे हम्पी का व्यू देख सकते हैं, आप यहाँ सनराइज़ या सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है विट्ठला टेम्पल, जो कि आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको फेमस स्टोन चैरियट
और म्यूजिकल पिलर्स देखने को मिलेंगे, और आगे की क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वहाँ पे क्या क्या किए। अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और हनुमान जी के दर्शन के बाद अब हमें लग गई थी भूख, तो हमने सबसे पहले की पेट पूजा। और इस समय मॉर्निंग के 9 o'clock हो गए थे और हमने विट्ठल टेम्पल विजिट करने के लिए टिकट लिया, और 20 rupees का टिकट पड़ा ये, और हम 3 persons थे। उसके बाद हम लग गए एक लाइन में लगभग 20 minutes वेट करने के बाद हमें फाइनली ई रिक्शा मिल गया, और ई रिक्शा से हम पहुँचने जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल। और ये देखिए आगे की क्लिप में आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। कोनार के स्टाइल में ये समृद्धि की निशानी मानी जाती है कि देवराज जी जो हैं वो आए थे युद्ध वगैरह लड़के, तो उन्होंने उस मेमोरी में बनाया था। और ये कोनार के रथ का जो कंसेप्ट है उसको इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कोनार के पे उससे साउंड किया जाता था, तो अलग अलग तरह के ध्वनियाँ जो जो पावरफुल एनिमल्स रहते थे, जैसे कि ये घोड़े का आपका दौड़ने के लिए वो रहेगा, ठीक है, ये जो चाइनीज ड्रैगन, हाँ, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि उस समय का व्यापार कितना बढ़ा हुआ था, कि इन लोगों को मालूम था कि अरब के घोड़े एक्सीलेंट कैटेगरी के होते हैं, चाइना का वो ड्रैगन वाला पार्ट होता है, और ये सारा चीज़ समझ गए। इसके नीचे देखिएगा तो शायद बाली टोपी वाला है, आपस में तो ढंग से कोई ना कोई एक स्टोरी को नरेट किया गया है। सबकी डिजाइन भी अलग है। कह रहे हैं कि डिजाइन भी सबकी अलग है, लकड़ी का या कुछ हो केवल यूज़ किया जाता था, और पिलर पे वो किया जाता था, सारे काम पता नहीं था सब होता। आज जो हम लोग 3D और 4D की बात कर रहे हैं, ऐसे है एग्जैक्ट तो हमें नहीं मालूम, यहाँ से देखिए तो आपको एक एक पिक्चर ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर से आप देखेंगे, इधर से आइए तो एक दूसरा पिक्चर दिखेगा आपको, ठीक है, लग रहा है कि ये मंकी है और ये अपने बच्चे को वो लिया जा रहा है, ठीक है, उसी तरह इसको आप कवर कीजिएगा तो एक दूसरा वो आएगा, ठीक है। हाँ, इधर से देखने पे कुछ और लग रहा है, फ्रॉग टाइप कुछ लग रहा है। विट्ठला टेम्पल और बाकी मॉन्यूमेंट्स की खूबसूरती को देखते हुए और इस बात से अमेज्ड होते हुए कि उस टाइम का आर्किटेक्चरल सेंस कितना ज़्यादा एडवांस था, हम चल दिए आगे की तरफ और हम पहुँचते हैं क्वींस बाथ। और इस समय टाइम हो रहा था लगभग 11:45, और क्वींस बाथ उस टाइम का राजा कृष्णदेव राय के एम्पायर के समय ये शाही जो रानियाँ होती थी ना उनका बाथ प्लेस होता था। तो आप आगे की क्लिप में देखिए क्वींस बाथ का एक लुक।
बात देखने के बाद अब हम जा रहे हैं लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल और रंग महल देखने के लिए। तो आगे के क्लिप्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मॉन्यूमेंट पे विजिट करने पे आपको तीन चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाएंगी, जिनमें कि लोटस टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल और रंग महल है। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये रंग महल की बिल्डिंग है। यहाँ पे पहले जो भी प्रोग्राम या इवेंट होते थे वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे किंग के द्वारा, और आज भी जब हम्पी महोत्सव होता है ना तो यहाँ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अब बज रहे हैं लगभग 12:30 और हम निकल गए हैं स्वामी नरसिम्हा टेम्पल देखने। और ये तो कह सकते हैं कि पहले जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई है ना वो बहुत ही सुंदर बनाई गई है, हज़ारों साल बीतने के बाद भी आज भी उनकी ब्यूटी एज इट इज़ ही है। तो स्वामी नरसिम्हा टेम्पल देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट हमको दिखते हैं जिसको टाइम टाइम पे मुगलों द्वारा रुइंड कर दिया गया है, फिर भी आज भी हमें जो वहाँ तब की ब्यूटी है ना वो देखने के नज़ारे कुछ अंश हमें मिल जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है विरूपक्षा टेम्पल। कहा जाता है साउथ का काशी और इसकी बहुत मान्यता है। आगे के क्लिप में आप देखेंगे विरूपक्षा टेम्पल, क्योंकि इनसाइड व्यू मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन हाँ बाहर का आपको सारा व्यू देखने को मिलेगा। फेमस इन्वर्टेड इमेज की भी क्लिप मैंने आगे के वीडियो में डाल रखी है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हमने अंजनेय पर्वत, विट्ठल टेम्पल, स्टोन चैरियट, म्यूजिकल पिलर्स एंड क्वींस बाद से लेके लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल और रंग महल, ये हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट डेस्टिनेशन हमारे आज की ट्रिप का विरूपक्षा टेम्पल है। तो आई होप फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं विरूपक्षा टेम्पल की कुछ क्लिप्स। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिका पतये उमा पतये पशुपतये नमो नमः। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि आप एक दिन में हम्पी की मेन अट्रैक्शंस कैसे घूम सकते हैं। आप प्रॉपर टाइम और प्लानिंग के थ्रू अगर विजिट करें तो आप ये सारी जगहें एक दिन में घूम सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर 2-3 दिन का टाइम है तो हम्पी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि घूमी जा सकती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई, कहीं पर भी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye।